नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और 16 वीडियोस की ये जो सीरीज है फ्री इंश्योरेंस ट्रेनिंग के तहत, जो 16 वीडियोस की सीरीज आप लोगों को दी जा रही है उसके 6th सेशन में मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार भी हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे पार्ट टाइमर्स के बारे में, फीमेल पार्टिसिपेंट्स के बारे में, जो कम टाइम दे पाते हैं लोग उनके बारे में, जो फुल टाइमर्स बनना चाहते हैं उनके बारे में, और इस तरीके के जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स हैं उन सब लोगों के बारे में। बट बिफोर दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है। दोस्तों, 1 जून से आप लोगों को याद होगा पहले काफ़ी टाइम मैंने आप लोगों को वीडियोज़ में बोला कि इंस्टाग्राम पे सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल, जो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको दे रहे हैं, उस पे जाके आप उस प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। कई बार मैंने बोला और मैंने आपको बताया कि हम फ्यूचर में उसमें आप लोगों के लिए डिफरेंट वीडियोज़ लेके आएंगे। तो देखिए, मैं अपनी कमिटमेंट को पूरा करने जा रहा हूँ और अब 1 जून 2022 से उस पे हमारी रील्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जो आपकी जिंदगी में भी फाइनेंशियल लिटरेसी क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ कस्टमर्स की जिंदगी में भी। तो इस तरीके से लोगों की सोच एक लॉन्ग टर्म सेविंग के पर्सपेक्टिव से बनाने के लिए उसमें डिफरेंट मैं चीजें लेके आप लोगों के लिए आया करूंगा। तो इमीडिएट बेसिस पे आज का ये वीडियो समझ लीजिए आप लोगों के लिए लास्ट रिमाइंडर है कि इमीडिएट बेसिस पे आप इंस्टाग्राम पे जो हमारी प्रोफाइल है सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इमीडिएट बेसिस पे उसे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक के ऊपर आते हैं। दोस्तों, बीमा गुरुकुल के द्वारा चलाए जा रहे वेरियस इंश्योरेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं उसमें कई सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आते हैं और उन पार्टिसिपेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज होती है। ऐसे कई सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे पास होते हैं जो पार्ट टाइमर्स होते हैं। ऐसे कई सारे पार्टिसिपेंट हमारे सामने आते हैं, हमारे पास आते हैं ट्रेनिंग्स लेने के लिए, जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स होती हैं। और ये दोनों ही कैटेगरी कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ प्रॉब्लम्स को दिमाग में रख के इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे होते हैं। किस तरीके की परेशानियां, किस तरीके के क्वेश्चंस इनको लगता है। ज्यादातर जो पार्ट टाइमर्स हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि सर, हम सुबह निकलते हैं, शाम को घर वापस आते हैं, और जब तक आने जाने का सफर तय करते हैं, ट्रैवल करते हैं, पूरा दिन ऑफिस में लगाते हैं, तो शाम को हमारे पास हम थक गए होते हैं और उस वक्त काम करने की अंदर से इच्छा नहीं आती। तो कहीं ना कहीं 6 दिन 5 डेज 6 डेज की वर्किंग में हमारे पास टाइम ही नहीं होता, और एक दिन मिलता है तो उस दिन पर्सनल लाइफ को मेंटेन करें या प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करें, तो हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है और पार्ट टाइम वर्किंग में मजा नहीं आ पा रहा। अच्छा, ये सारे लोगों को लगता है कि फुल टाइमर्स अच्छा काम करते हैं तो हमें फुल टाइमर बनना है, बट क्योंकि एक जॉब है, जॉब के साथ रिलेटेड, जॉब के साथ जुड़ी हुई कुछ स्पेसिफिक सैलरी है और उनकी घर में कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन है कि कुछ स्पेसिफिक इनकम आनी चाहिए, कुछ फिक्स्ड इनकम आनी चाहिए, इस वजह से वो जॉब को छोड़ने का भी डिसीजन नहीं ले पाते और कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते। तो ये कहीं ना कहीं कश्मकश में रहते हैं। कैसी कश्मकश के इनको लगता है कि हम फुल टाइमर बन जाएंगे तो अच्छा काम होगा, पार्ट टाइमर रह के अच्छा काम नहीं हो सकता। फीमेल पार्टिसिपेंट जो होती हैं उनके साथ कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, घर का काम करना होता है, बच्चों को संभालना होता है, बच्चों की पढ़ाई देखनी होती है, सारी चीजें मैनेज करनी होती है, तो वो भी स्टक होकर रह जाती हैं कि एक्चुअल में हम काम करें तो कैसे करें। और इसी उधेड़ बुन में ये दोनों जो लोग हैं, जिसको मैं पार्ट टाइमर्स का ही नाम दूंगा दोनों को, ये पार्ट टाइमर्स स्पेसिफिकली एक रॉन्ग माइंडसेट रखते हैं। तो आज के इस वीडियो को मैंने 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करने का डिसीजन लिया, जिसमें से पहला जो टॉपिक, पहला जो पार्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ राइट माइंडसेट का, तो हम रॉन्ग माइंडसेट से राइट माइंडसेट की तरफ मूव करेंगे। और राइट माइंडसेट में हम 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, ध्यान से समझना। पहली चीज के पार्ट टाइम इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। रिपीट करो मेरे साथ, पार्ट टाइम is not a problem, it's a opportunity. तो opportunity कैसे है, कैसे हम कह सकते हैं ये opportunity है, तो ध्यान से समझना। अगर analysis करोगे आप पूरे के पूरे देश के जितने भी इंश्योरेंस एजेंट्स हैं उनका, जितने भी पूरे देश में फुल टाइम इंश्योरेंस एजेंट हैं उनका, और उनको एनालाइज करोगे, उनके डेटास को स्टडी करोगे, तो एक रियल जो एनालिसिस निकल के आता है वो क्या होता है कि जितने भी फुल टाइम इंश्योरेंस एजेंट हैं वो भी आज के टाइम में अपने काम के ऊपर फोकस्ड अप्रोच के साथ पूरे दिन काम नहीं करते।
एक्चुअल में उनसे पूछा जाए कि पूरे दिन की उनकी एक्टिविटी जो है उसमें से सेल्स को यानी कि रियल प्रोफेशन को वो कितना टाइम देते हैं, तो वो टाइम देते हैं दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटे। इतना टाइम ही एक फुल टाइम इंश्योरेंस एजेंट भी दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है, उसका पूरा दिन सोशल मीडिया में किल हो रहा है। वो यूट्यूब पे बैठता है तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा फालतू का वीडियो भी देखता चला जाता है और कहीं ना कहीं टाइम किल हो जाता है। वो ब्रांच में बैठ के बाकी इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ अपना टाइम किल कर देता है। वो कहीं ना कहीं फेसबुक के ऊपर बहुत टाइम स्पेंड करने लग गया है। वो डिफरेंट अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है और इन सारी की सारी चीजों में रियल अगर फोकस्ड वर्किंग की बात करें तो 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम होता है जब एक फुल टाइमर भी काम कर रहा है। तो एक बात समझ के चलो, उतना ही टाइम आपको मिल रहा है। अगर आप एक पार्ट टाइमर हो और आप डिसाइड कर लो कि आप दिन में 2 घंटे काम करोगे, तो सोचो वो 2 घंटे आप कितना फोकस्ड होके काम करोगे, उतना फोकस्ड होके काम करोगे जितना फुल टाइमर पूरे दिन में काम कर रहा है। और ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा और आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बात नहीं कह रहा, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियल एनालिसिस। आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक्चुअल में ऐसी हो रहा है। और जितना ज्यादा आप फोकस्ड अप्रोच, जितना आपको पता होगा कि आपके पास सिर्फ ये 2 घंटे हैं, अभी मैं आऊंगा इसमें कि 2 घंटे कैसे स्पेंड करने हैं, पर जब आपको पता होगा कि 2 घंटे आपके पास हैं तो आप पूरी तरीके से फोकस्ड होकर काम कर पाओगे, तो आपके दिमाग में डाइवर्जन नहीं आएगा। तो आपको पता होगा कि ये 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ काम के लिए देना है, और फिर जब आप ऑफिस में काम करोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि काश मैं बिजनेस के ऊपर टाइम दे रहा होता, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 घंटे बिजनेस के हैं, बाकी टाइम मैं अपनी लिविंग क्रिएट करने के लिए, अपनी जॉब पे पूरी ईमानदारी से देने के लिए काम कर रहा हूं, या अपने घर के काम कर रहा हूं, या अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम दे रहा हूं, या अपनी फैमिली को टाइम दे रहा हूं। आपको कभी भी 2 नावों में आप पैर नहीं रखोगे, आप फोकस्ड होगे कि जब बिजनेस का टाइम है तो मैं बिजनेस का टाइम दे रहा हूं, और जब फैमिली का टाइम है तो फैमिली का टाइम दे रहा हूं, या जॉब का टाइम है तो जॉब का टाइम। अब पहली चीज के बाद दूसरी चीज को समझो। पहले तो समझ लिया ना कि अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग से प्रॉब्लम वाला शब्द निकालो, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। दूसरी चीज, 2 घंटे कंसिस्टेंसी। मेंटरशिप प्रोग्राम में जब हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं और मैं उनकी पर्सनल मेंटोरिंग करता हूं, तो उसमें एक टॉपिक आता है जिसमें मैं उनके साथ एक एक्सरसाइज करता हूं, एक एक्टिविटी करता हूं, एंड बिलीव मी उसके बाद लोगों की सोच बदल जाती है। क्या एक्टिविटी करता हूं कि मैं उसमें बात करता हूं कि एक्चुअल में आप ये जिसे कहते हो कि वर्किंग कर रहा हूं मैं, जिसे आप कहते हो मैं काम कर रहा हूं, जिसे आप कहते हो सर मैं मेहनत कर रहा हूं फील्ड में, आप एक्चुअल में कितना टाइम सेल्स को दे रहे हो। तो 3 तरह की एक्टिविटी में हम डिवाइड करते हैं, प्री सेल्स एक्टिविटी, पोस्ट सेल्स एक्टिविटी और सेल्स की एक्टिविटी। यानी सेल्स से अपॉइंटमेंट से पहले वाले भी जितने भी काम है वो प्री सेल एक्टिविटी में आ गए, और अपॉइंटमेंट होने के बाद वाले जितने भी काम है वो पोस्ट सेल एक्टिविटी के ऊपर आ गए। तो हमारे को किस चीज के ऊपर फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स वाली एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है। तो 2 घंटे में से मिनिमम 1 घंटा आप न्यू प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच करने के ऊपर लगाओगे, फिर वो चाहे किसी भी, आज ये जो 16 वीडियोस हैं इसमें मैंने आपको बहुत आइडियाज दिए हैं अभी तक जितने वीडियोस हैं, और इसके बाद भी मैं आपको बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे आइडियाज देने वाला हूं। इन्हीं चीजों को अपना के आप किसी भी एक्टिविटी को चूज करो, बट जिस भी एक्टिविटी को चूज करो उसमें 1 घंटा जरूर लगाओ दोस्तों, और 1 घंटा आपका पूरी तरीके से नए कस्टमर्स के साथ बात करने में, न्यू कॉल के ऊपर, न्यू सेल्स के ऊपर होना चाहिए। बाकी 1 घंटे में आपको कुछ एडिशनल काम करना है, सर्विसिंग करनी है, ईमेल्स करनी है, कोई पोस्ट डालनी है ऑफिशियल, या स्टेटस डालना है, ब्रॉडकास्टिंग में डालना है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। तो 2 घंटे कंसिस्टेंसी, ये दूसरा राइट माइंडसेट था। तीसरा, जब आपको पता चल गया कि 2 घंटे लगा के कुछ आप स्पेसिफिकली काम कर रहे हो और 2 घंटे में फोकस्ड अप्रोच के साथ आप कुछ ना कुछ अचीव करोगे, तो जो भी आप अचीव करोगे, और अचीव करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मेक अ टारगेट, एक स्पेसिफिक टारगेट बना लो। बिना टारगेट के दोस्तों जिंदगी चल नहीं सकती एक सेल्स पर्सन की। हमेशा याद रखो, अगर आप रियल में अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो यू हैव टू हैव अ टारगेट। आपको स्पेसिफिक एक टारगेट रखना पड़ेगा, वो टारगेट रख के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये मत सोचना कि आप पार्ट टाइमर हो तो आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, जितना हो जाएगा कर लेंगे सर, एजेंसी बचा लेंगे सर, 12 पॉलिसी हो जाए तो बड़ी बात है सर, जितना आ जाता है अपने आप रेफरेंसेस से कर लेते हैं। नहीं, एक टारगेट बनाओ, उसके ऊपर फोकस्ड हो जाओ। तो जब आप 2 घंटे देके एक स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करोगे, देन यू हैव टू कैलकुलेट, आपको बैठना है और कैलकुलेट करना है कि अगर 2 घंटे की वर्किंग से, 2 घंटे की फोकस्ड वर्किंग से अगर आप इतना काम कर सकते हो, तो अगर आप पूरी तरीके से फुल टाइमर बन जाओ, आप जैसा इंश्योरेंस एजेंट जो 2 घंटे की वर्किंग में इतना अच्छा काम क्रिएट कर रहा है, अगर वो फुल टाइमर बन जाए तो क्या होगा।
इस राइट अप्रोच के साथ, इस राइट माइंडसेट के साथ, अगर आपने अपने को फुल टाइमर में कन्वर्ट कर दिया, अभी मत करो, 6 महीने बाद करो, 6 महीने का एक टारगेट रखो, उसे अचीव करो, देन शिफ्ट कर जाओ। तो सोचो, जब आपका फोकस आपको क्लियरली बता रहा होगा कि 2 घंटे की वर्किंग में मैंने ये क्रिएट किया है, 24 घंटे जब आप काम करोगे, जब 8-8 घंटे, 10-10 घंटे की रियल वर्किंग आप करोगे, तो सोचो फुल टाइमर बनके आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता था कि आपके माइंडसेट को सबसे पहले उस पे काम करने की जरूरत है। तो चलिए इसके बाद मैं मूव करता हूं सेकेंड पार्ट की तरफ। दोस्तों, राइट वर्किंग में 5 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। राइट वर्किंग के लिए सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट योर प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी क्या है, यू नीड टू फाइंड आउट। आप फेसबुक पे बैठे हैं अपना मोबाइल लेके, आप इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, आप गूगल रेकमेंडेशंस पे बैठे हैं, आप सोशल मीडिया के किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में हैं, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। आप लोगों से बात करने के लिए बैठे हैं, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। आप प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए निकले हैं, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। आप अपने घर पे आए, आपके सामने 2 ऑप्शन है, आपको टीवी देख सकते हैं, आप सीरीज देख सकते हैं, आप मूवीज देख सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बातें कर सकते हैं, फोन उठा के अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। आप काम भी कर सकते हैं, तो यू नीड टू फाइंड आउट योर प्रायोरिटी। कहते हैं, बड़ी अच्छी एक सेइंग है कि नो वन इज सो बिजी इन द वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। कहते हैं ना कि भाई साहब, इतना बिजी कोई नहीं है कि उसके पास 2 मिनट बात करने के लिए टाइम ना हो। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, क्या आप बात करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। तो अगर सेम चीज काम के लिए भी हम अप्लाई करें, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। पार्ट टाइमर काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। वो किस चीज को प्रायोरिटी दे रहा है। अगर आप अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, दीजिए। अगर आप अपने बिजनेस को प्रायोरिटी ना देके बाकी चीजों को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, तो फिर वही चीजें फलेंगी फूलेंगी। जिस भी पेड़ को, जिस भी पौधे को आप पानी दोगे, वो बड़ा होगा ही होगा। अपने रिश्तों को आप ज्यादा टाइम दोगे, वो डेवलप होंगे ही होंगे। जिंदगी में जिस चीज में भी आप टाइम लगाओगे, वो डेवलप होगा ही होगा। ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर आप अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, देन यू नीड टू गिव अ प्रायोरिटी टू योर बिजनेस। तो फाइंड आउट योर प्रायोरिटी। फर्स्ट, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो फाइंड आउट योर प्रायोरिटीज है। अच्छा, आपने अपनी प्रायोरिटी जो है वो डिसाइड कर ली, उसके बाद क्या? तो उसके बाद मैं आपको दूसरा थंब रूल देता हूं, जो अपने कोर्सेज में भी हम लोगों को देते हैं, कि नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, गिव एटलीस्ट 1 आवर टू न्यू कस्टमर्स। यानी कि नए लोगों से बात करने को आप टाइम दो, 1 घंटा एटलीस्ट। आप 2 घंटा डिसाइड करते हो कि 2 घंटा आपको काम करना है, 2 घंटे में और भी काम होते हैं, चीजें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वर्कआउट कीजिए, अपना ऑर्गेनाइजर वर्कआउट कीजिए, आप सारी चीजें कीजिए, अपडेशंस, कई सारे काम करने होते हैं, बट 1 घंटा सेल से रिलेटेड होना चाहिए, सेल से रिलेटेड। मैं हमेशा जब भी काम करता रहा, आप सब लोग जानते हैं कि MBRT, COT, 1 month MBRT, 1 day MBRT, सारे रिकॉर्ड्स बने, तो वो सारी जब चीजें हुई रेगुलर पेस पे हुई, तो 3 चीजों में मैंने डिवाइड किया हुआ था, प्री सेल, पोस्ट सेल और सेल। तो सेल से रिलेटेड काम को ही मैंने प्रायोरिटी बनाया, सेल से रिलेटेड काम को ही मैंने टाइम देना शुरू किया, और प्री सेल और पोस्ट सेल के जितने भी काम थे उनको डेलीगेट कर दिया। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, आई वॉज फोकसिंग ऑन वॉट, सेल्स ओनली। तो मैं सिर्फ सेल्स करता था, सेल्स ही सेल्स। आज भी मैं सेल्स करता हूं। तो हमेशा याद रखो कि आपको प्रायोरिटी डिफाइन करनी है, और उसके बाद एक चीज डिसाइड करनी है कि अगर आप 2 घंटे दे रहे हो, तो 50% टाइम, 1 घंटा एटलीस्ट आपको न्यू प्रोस्पेक्टिंग को, नए लोगों से बात करने को, नए कस्टमर्स को, ग्राहक को, प्रोस्पेक्ट्स को देने। तीसरी चीज, आपको अपने डायरी या अपने ऑर्गेनाइजर को रेगुलर बेस पे अपडेट करना ही करना है। आपका कैलेंडर अपडेटेड होना चाहिए हमेशा। आज तक हर साल की, पिछले 12 साल की डायरीज में आपको दिखा सकता हूं कि रेगुलर डायरीज मेरे पास रहती हैं, और हर साल की एक डायरी होती है, और रेगुलर बेस पे उस डायरी को मैं ओपन करता हूं, और जो भी काम, अगर किसी क्लाइंट ने बोला कि 5 दिन बाद बात करनी है, तो 5 दिन बाद की डेट में मैं एंट्री कर देता हूं। तो आई ऑलवेज अपडेट माई कैलेंडर, आई ऑलवेज अपडेट माई डायरी। तो ये आपको बहुत बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, क्योंकि पार्ट टाइमर्स के लिए खासकर
क्लाइंट छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने कोई टाइम दिया, उस टाइम पे हम कॉल नहीं कर पाए, हम बात नहीं कर पाए। तो हमेशा याद रखिए, यू नीड टू अपडेट योर डायरी और कैलेंडर। फोर्थ, चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को कहूंगा कि यू नीड टू ऑटोमेट। ऑटोमेट व्हाट? एनीथिंग, जो भी आप कर सकते हो। कैसे ऑटोमेट करोगे? तो देखो, बर्थडे, एनिवर्सरी, आपका प्रीमियम के रिमाइंडर्स, आपके ग्रीटिंग्स, जितनी चीजों को, ईमेलर्स, बल्क एसएमएस, बल्क व्हाट्सएप, जितनी चीजों को ऑटोमेशन पे ला सकते हो उसे ऑटोमेशन पे ले आओ। काम अपने आप होते रहे, सिस्टम अपने आप काम करता रहे, आपके पास टाइम नहीं है। तो हमेशा याद रखो, इनिशियल लेवल से तो कोई भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑटोमेटिकली एसएमएस भेज देते हैं, वो वैसे सॉफ्टवेयर्स खरीद लो। एसएमएस जाते रहेंगे, बर्थडे विशेष जाते रहेंगी, एनिवर्सरी विशेष जाते रहेंगी, लोगों को ग्रीटिंग्स जाते रहेगी, होली, दिवाली, ईद, रेगुलर बेस पे उनको ग्रीटिंग्स मिलेंगे, रिमाइंडर्स प्रीमियम के जाते रहेंगे, रिन्यूअल्स आपकी, लैप्सेशन आपकी नहीं होगी। इन सारी चीजों के ऊपर आपको खुद बैठ के काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, एंड यू विल बी मोर फोकस्ड अबाउट व्हाट? अबाउट सेल्स। तो आप अपनी सेल के ऊपर फोकस कर पाओगे। यस और नो? यस। एंड लास्ट, पांचवा पॉइंट, हैव पेशेंस। थोड़ा पेशेंस रखो। 2BHK बनाना और ताजमहल बनाना दो अलग अलग बात है। कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनने में, कोई भी ऐतिहासिक इमारत बनने में, कोई भी एम्पायर खड़ा होने में टाइम लगता है दोस्तों। तो होप को लूज नहीं करना, डोंट लूज होप, ऑलवेज हैव पेशेंस। अपना जो बिजनेस है पेशेंस का बिजनेस है, अपना जो बिजनेस है वो शांति से पेशेंस रख के लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने का बिजनेस है। रिजल्ट विल कम, डेफिनेटली विल कम, बट कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, फोकस, पेशेंस, ये दोनों चीजों का जब संगम होगा तो आपका काम होगा। दिस वॉज द सेकेंड पार्ट जिसका मैंने नाम लिया राइट वर्किंग, जिसके ऊपर आपको काम करना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसी वीडियो है, राइट अप्रोच। तो राइट अप्रोच क्या है? राइट अप्रोच में दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बनाए हैं। ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट आज का मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, इसका जो थर्ड पार्ट है उसके लिए मैं आपको तीन वीडियोस बताने जा रहा हूं। वो तीनों वीडियोस आपको देखने हैं, आपको हमारे YouTube चैनल पे भी मिल जाएंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं तीनों के लिंक आपको दे दूंगा। तीन वीडियोस मैंने बनाए हैं। पहला, 2 किलोमीटर, क्योंकि आपके पास टाइम की लिमिटेशन है, तो 2 किलोमीटर के एरिया में कैसे कस्टमर्स ढूंढें, तो ग्राहक कैसे ढूंढें, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, इनके ऊपर वर्किंग कैसे करें। 2 किलोमीटर के एरिया में जितने फीमेल पार्टिसिपेंट हैं, जितने पार्ट टाइमर्स हैं, फुल टाइमर्स भी हैं, वो 2 किलोमीटर के एरिया में वीडियो जरूर देख लें। दूसरा वीडियो है टेलीकॉलिंग के ऊपर, क्योंकि आप जब 1 घंटा ही आपके पास होगा तो आप 2 घंटे या 1.5 घंटा या 1 घंटा आपके पास होगा तो आपको कॉल्स करके फोकस्ड होकर काम करनी है कि अपॉइंटमेंट लेनी है या पॉलिसी, दोनों में से क्या बेचना है। तो अपॉइंटमेंट बेचनी है तो अपॉइंटमेंट बेचो, पॉलिसी बेचनी है तो पॉलिसी बेचो। तो टेलीकॉलिंग से रिलेटेड, उसमें टेलीकॉलिंग आपको हेल्प करेगी, तो टेलीकॉलिंग से रिलेटेड वीडियो जरूर देख लेना। वो भी आपको थंबनेल इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तीसरी चीज, अनजान लोगों से बात करना। क्यों? क्योंकि आप उस 2 किलोमीटर के एरिया में अनजान लोगों से बात कर रहे होंगे, तो अनजान लोगों से बात करने की जो कला है वो मैंने आपको इन 2 वीडियोस के माध्यम से बताई है। तो ये 3-4 वीडियो इसी वीडियो का पार्ट मान के, इसके थर्ड पार्ट का हिस्सा मान के जरूर देख लेना और इसके नोट्स बनाओ। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने इस देश के सारे ट्रेनर्स को भी आह्वान किया था, वो बात अलग है कि लोग शायद अपने पर्सनल मोटोस में समझ नहीं पाते इस बात को। मैंने आह्वान किया था कि हम कुछ ऐसा क्रिएट करें हमारे देश के इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए कि हम उनको फ्री सेशंस में भी बहुत कुछ दे सकें। तो इन 16 वीडियोस में मैंने आपको वो देने की कोशिश की है। 4th वीडियो में आज हजारों लोग इसका बेनिफिट उठा चुके हैं, तो इसी वजह से कि मैं आपको प्रैक्टिकल रियल कंटेंट, रियल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, रियल सेल्स इन वीडियोस के माध्यम से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको 16 वीडियोस खत्म होते होते पूरी तरीके से ट्रेन कर दूंगा। मैं मानता हूं कि 2-2 घंटे की जो डिटेल्ड प्रोग्राम्स होते हैं, डिटेल्ड सेशंस होते हैं, डिटेलिंग होती है, वो 10 मिनट में दे पाना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मैं जानता हूं आप बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स और मेंटरशिप पार्ट कोर्स में हजारों लोग अब तक भाग ले चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने सीख के अपनी जिंदगी में ग्रोथ की है। अगर आपने नहीं सीखा है तो 6 महीने में एक बार हमारा प्रोग्राम आता है, हर महीने 2 महीने में 2-2 दिन, 3-3 दिन के प्रोग्राम हमारे नहीं चलते, हम 6 महीने तक काम करते हैं एक इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर। तो एक बार एक कोर्स 6 महीने तक चलाते हैं, 26 हफ्तों तक चलाते हैं। तो जब भी आएगा जरूर कर लेना, पता नहीं कब आएगा, मेरे ख्याल से जुलाई वगैरह में आएगा कर, ठीक है? तो अभी तो चल रहा है। तो एनीवेज, तो पॉइंट ये है कि इन 3 तरह से, राइट, व्हाट,
बोलो मेरे साथ, बताओ। राइट माइंडसेट सबसे पहली चीज। दूसरा क्या? राइट वर्किंग, यस यू आर राइट। तीसरा राइट अप्रोच। तीन चीजों के ऊपर काम करते रहो। और इंस्टाग्राम फटाफट डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करके हमारे सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल को फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अब मैं लाइव बहुत सारी चीजें लाने वाला हूँ आगे को लेके, बहुत आगे को लेके बहुत प्लानिंग है, बहुत प्लानिंग है इंस्टाग्राम को लेके। तो इंस्टाग्राम को जरूर फटाफट उस पर फॉलो कर लेना मेरे पेज को, जिसका नाम है सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल। और 906-906-2040 तो एवरग्रीन नंबर है। अगर आप रेगुलर बेस पे अपडेट चाहते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री और हमारे बीमा गुरुकुल के, तो 906-906-2040 पे हाई लिख के जरूर भेज देना और उस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लेना। आपको हमेशा कहीं ना कहीं रेगुलर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए फिफ्थ वीडियो दोबारा से, बहुत इंपॉर्टेंट फिफ्थ वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा और उसमें और एक नए सब्जेक्ट के साथ आऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट, बाय।